भागवतम वेद कल्पतरु सुफलम वेद कल्पतरु सुफलम वेद व्यास कृतम प्रणमामि त्वं प्रणमामि श्री सुत तीर मुख च्युत कृष्णामृत महितम प्रभु कृष्णामृत महितम द्वादश दिव्य स्कंदम द्वादश दिव्य स्कंदम ज्ञान विरति सहितम प्रणमामि त्वं प्रणमामि आप सभी से आग्रह है कृपया अपने स्थान पर आप सब विराजमान रहेंगे। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय हम सबको संबोधित करेंगे, दो वाक्य बोलेंगे, लेकिन उनके पूर्व मैं आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह करूंगा कि जिलाधिकारी जी की इच्छा है कि दो वाक्य आप भी बोलें और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय भी हम सबको संबोधित करेंगे। तो मैं परम आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह करता हूँ कि आए और हम सबके समक्ष पूज्य गुरुदेव के प्रति अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करें। परम पूज्य गुरुदेव जगतगुरु श्री स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज, कार्यक्रम में उपस्थित जनपद परिया के यशस्वी जिलाधिकारी श्री अमित किशोर जी, कार्यक्रम और आयोजन समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और वस्तुतः इस कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति के रूप में आप सभी उपस्थित श्रोतागण, आज यह परम सौभाग्य का विषय है कि जिगना मिश्र में 23 भाषाओं के भाषाविद पद्म विभूषण हम सबके लिए परम आदरणीय संतों में परम श्रेष्ठ संत के पदार्पण से यह जिगना मिश्र की भूमि पवित्र हो गई है और उस पवित्र भूमि पर हम सभी को उपस्थित होकर महाराज जी का
महाराज जी के श्रीमुख से कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से आज का यह दिन हमारे जीवन का अत्यंत पवित्र और अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। यह कार्यक्रम पिछले कई घंटों से चल रहा है और आप सभी सम्मानित श्रोतागण कार्यक्रम के पश्चात अब जाने की तैयारी में, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं आयोजन समिति के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ कि इतना सुंदर आयोजन और इतनी सुंदर मंच सज्जा विशाल पंडाल। कल जब हम लोग आए थे हम और डीएम साहब, तो ऐसा लग रहा था शायद बहुत अच्छा बहुत अच्छी तैयारी न हो सके, लेकिन आज यह विशालता और यह भव्यता देखकर मन गदगद हो उठा। इस तैयारी के लिए पूरी आयोजन समिति बधाई की पात्र है और श्री महाराज जी ने यहाँ आकर